चाहे हो मुगलों और अब्दालियों, हजारों वर्ष पहले तुम्हारी पैदाइश के हमारे यहाँ महाकाल का भव्य मंदिर बन चुका था, बना था या नहीं? चंदेल राजाओं के बनाए हुए भव्य मंदिर, जब शायद मुगलों ने दो ईंट जोड़नी नहीं सीखी थी तब हमारे यहाँ चंदेल राजाओं के बनाए हुए भव्य मंदिर थे। अजंता हमारे यहाँ की निशानी है। अच्छा, ये मोहम्मद की निशानी है, ये समुंदर, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कश दरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत उड़ाया। मुगलों और अब्दालियों, हजारों वर्ष पहले तुम्हारी पैदाइश के हमारे यहाँ महाकाल का भव्य मंदिर बन चुका था, बना था या नहीं? चंदेल राजाओं के बनाए हुए भव्य मंदिर, जब शायद मुगलों ने दो ईंट जोड़नी नहीं सीखी थी तब हमारे यहाँ चंदेल राजाओं के बनाए हुए भव्य मंदिर थे। अजंता हमारे यहाँ, एलोरा हमारे यहाँ, कोणार्क हमारे यहाँ, और तुमने स्ट्रक्चर बनाना हमको सिखाया। तुम अपने समरकंद और फरगाना में टॉयलेट नहीं बनवा पाए, हमारे यहाँ ताजमहल तो बने आके। और ये बात सच कह रहा हूं मैं, प्रैक्टिकली रिसर्च के आधार पर बता रहा हूं। जब हमारे यहाँ इतनी भव्य आकृतियां, इतने भव्य मंदिर बने हुए थे, ये बाहर खुले में शौच करते थे, समरकंद और फरगाना की कहानी है। और बात दिखिए, निकल पड़ी तो बात दूर तो जाएगी, ताजमहल की बात निकल पड़ी है। 17वीं शताब्दी में जब शाहजहां ताजमहल बनवा रहे थे, पता नहीं आप में से कितनों को पता है या नहीं पता है, ये वो पीरियड था, ये वो दौर था जब इसी हमारे आपके भारत देश में 35 लाख लोग भूखमरी का शिकार होकर दम तोड़ चुके थे, भूख से मर चुके थे। ऐसे आलम में एक राजा, एक बादशाह क्या करता है, उस जमाने के 9 करोड़ रुपए एक मकबरे में खर्च कर देता है जिससे पूरे देश की गरीबी मिट सकती थी। एक तरफ हमने महाराज विक्रमादित्य को देखा और एक तरफ इन लुटेरों को, इन डकैतों को देखा, ये भी हमारी बदकिस्मती। और ताजमहल बनवा दिया, चलो ठीक है भाई बनवा दिया, अब हमें जबरदस्ती वो बाएं हाथ से लिखे हुए इतिहास हमें ये बताने की कोशिश कर रही है कि भाई तो मोहब्बत की निशानी है। अच्छा, ये मोहब्बत की निशानी है, ये समुंदर, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कश दरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, ये मोहब्बत की निशानी है। और अगर ये मोहब्बत की निशानी